क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पालघर जिले में होने वाले 6 विधानसभा चुनाव में से नामचीन राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ कुछ प्रत्याशियों ने अपक्ष से भी उम्मीदवारी जताई है। ऐसे में नालासोपारा विधानसभा से एक किसान का रथ अर्थात ट्रैक्टर की निशानी से डॉक्टर विजया दत्ताराम समीर ने भी चुनावी महासंग्राम में कदम रखा है। आपको बता दें कि नालासोपारा क्षेत्र में विजया समेल ये कोई अनजान नाम नहीं है। विजया समेल यहाँ से कांग्रेस की नगर सेविका रह चुकी है, परंतु इनका कहना है कि कांग्रेस की कुछ नीतियों ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। मैं आज बात करने जा रहा हूं डॉक्टर विजय समेल से, जो नालासोपारा विधानसभा 132 में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो शुरुआती दौर से राजनीति करते आ रहे हैं, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर है? असल में मैं तो 2000 से राजनीति में आई हूँ। उस टाइम कांग्रेस के मैं अध्यक्ष बनी और उस टाइम तो यही राजनीति थी। फिर भी मेरा जो स्वभाव है और मुझे जो संस्कार मिले उससे तो मैं अच्छी तरीके से राजनीति करना चाहती हूँ। ये गंदी पॉलिटिक्स मुझे मान्य नहीं। लेकिन अभी अचानक नालासोपारा 132 जो विभिन्न मुद्दों के लिए चर्चा में है, आप अपना भाग्य यहाँ से आजमा रहे हो, किन मुद्दों पर आप राजनीति कर रहे हो? मैं भाग्य आजमाने के सवाल नहीं है, मैं यहाँ के ही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लोगों के लिए मुझे कुछ करना है और आज तक मैं करती रही। एक सामाजिक काम से करती रही, राजकीय काम तौर से भी करती रही और इसलिए मुझे मेरे लोगों के लिए मैं खड़ी रही। क्योंकि पक्षों को दबा दिया, अभी हमारा कांग्रेस पक्ष में मैं थी। 2009 में मुझे यूनिफॉर्म आया था, लेकिन उस टाइम माणिक राव ठाकरे थे प्रदेश अध्यक्ष, तब उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी उनके लड़के के लिए। उसके बाद 2014 में भी मेरा ही अधिकार था क्योंकि मैंने कांग्रेस पक्ष इधर बढ़ाया था। मैं आत्मस्तुति का एक छोड़ के भी, दोष छोड़ के भी मैं बोल सकती हूँ कि मैंने यहाँ एक राष्ट्रीय पक्ष को संजीवनी दी थी। फिर भी उन्होंने मुझे उधर 2014 में भी नहीं खड़ा किया, दूसरे को दिया जो उन्होंने पैरा था इधर कांग्रेस पक्ष में। जब आपने ए बी फार्म भरा, कोई दबाव आपके पास नहीं आया कभी? कभी ए बी फार्म अभी ए बी फॉर्म का सवाल ही नहीं है। मैं अपक्ष खड़ी हूँ और मुझे दबा आने का सवाल ही नहीं आता है। मुझे दबाव को कैसे कौन ला सकते मेरे पास? आप जनता की किन समस्याओं के मद्देनज़र आपके मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मन में मीन्स मैं तो 2009 से चुनाव लड़ना चाहती थी लोगों के लिए, तो सवाल ही नहीं आता मन में अभी आने का। जीत के प्रति कितने सुनिश्चित हैं? देखो मैं तो प्रयास करूँगी, लोगों को भी दूसरा पर्याय चाहिए, अच्छा पर्याय चाहिए। लोग भी उग गए हैं और वैसे एक बाहर के अंदर के वैसा सब दिख रहे लोगों को भी, तो शायद मुझे मेरा पर्याय उनको शायद अच्छा लगेगा। शायद मैं चुन के भी नहीं आ सकती या आ सकती हूँ, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे मैं भी आजमाऊँगी कि लोगों को भी अच्छे लोग चाहिए कि ऐसे लोगों को लोग चाहिए। किस तरह का चुनाव प्रचार किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखा अभी लोगों को मिलते हैं, हम ज़्यादा ये नहीं करते, डामाडोल नहीं करते, जो क्या बोलते हैं साइलेंट प्रचार है। लोगों के दिल तक पहुंचने का है, लोगों की समस्या तक पहुंचने का है बस। वहीं समेल ने सत्ता पक्ष के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ की एक छत्र पार्टी है, वह यहाँ पे बेहतर ढंग से काम कर रही है, ऐसा उनका कहना है। आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ के खिस्से में से पैसे नहीं निकाल रही है, वो जनता का ही पैसा है और प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं। कि और आप देखिए ना, वहाँ के रस्तों को कितने खड्डे हैं, इधर पानी जमा हो गया, लोगों के घर में पानी घुस गया। वो कैसे तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से? उसको आप बेहतर तरीका बताएंगे? वाकई 30 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं ना, मनी ऑन मसल पावर से हो रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर विजया समेल पिछले 20 वर्षों से तन मन धन से जन सेवा में लगी हुई हैं। 10 वर्षों से मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, गरीब तबके के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम का समेल प्राथमिक विद्यालय खोला गया, भक्तों के लिए शिव मंदिर बनाया, राहगीरों के लिए पानी की टंकी लगवाई, बुजुर्गों के लिए मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षण, ऐसे कई समाजसेवी कार्य किए हैं।
वहीं आप ही सुनिए स्थानिक क्या कहते हैं समेल के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा जावरावाला है, मैं मुस्लिम बोरी हूँ और हमारे घर के नीचे ही साहब का ऑफिस था, बहुत साल तक ऑफिस रहा उनका और हमारे लिए बहुत कुछ किया है साहब ने, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्प किया, फीस दिया, फ्री में एम्बुलेंस देते हैं, जब कभी भी किसी बीमार को ज़रूरत पड़ती है अपना खुद का पेट्रोल डाल के हमको, ड्राइवर को भी खुद का पैसा दे के हमको एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं, फिर बच्चों का स्कूल के लिए फीस है वो देते हैं, अनाथ आश्रम में जाके जब भी वो कुछ भी चादर वाटप करते हैं, फ्रूट देते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं और हमेशा अच्छा काम करते हैं, सब लोगों की भलाई करते हैं, खुद के पैसे से करते, किसी से लेते नहीं है पैसे, खुद ही अपने जेब से ही पैसा खर्च करके सबकी भलाई करते हैं और जब भी हमको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है उनके पास फ़ोन करते हैं कि हमको आधी रात को भी वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप जे तिवारी। क्या कहना चाहिए आपको? हमारे साहब जो है बहुत अच्छे है और जैसे एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस में फ्री सेवा है, एम्बुलेंस हो गया, सिलाई क्लास, सीनियर सिटीजन, काफ़ी मतलब अपना पैसा डाल के खर्चा करते हो और मतलब किसी से एक रुपया नहीं लेते, मतलब साहब के बारे में यही कहना चाहता हूँ। चद्दर वाटप है, जैसे अभी फल वाटप है और स्कूल के बच्चों का बैग बुक हो गया, वो सब फ्री में करते हैं और अपने पास से करते हैं। देखो अभी हम लोग कोशिश करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे, अब देखो आगे पब्लिक को अगर अच्छा आदमी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए तो पब्लिक चुन के देगी और पब्लिक जनता से भी यही आह्वान करते हैं हमारे साहब को, हमारे साहब का ट्रैक्टर निशानी है तो अभी साहब को ही वोट मिले वही हमारी अपेक्षा है और साहब जीत के आए हमारे, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं भारी मतों से वोट और आगे अभी पब्लिक के हाथ में है, क्या है उनको अच्छे लोग चाहिए कि बुरे लोग चाहिए और हमारा भला हो, नाला सोपारा 132 विधानसभा से भला हो हमारा। अभी इनों का काम मैं काफ़ी साल से देख रहा हूँ, मैं करीबन 5 साल का था तब से मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में हूँ, अभी हमारा प्रयास बहुत अच्छे से चालू है, अभी पानी जो भरा था उसी के मामले में सोसाइटी से चर्चा हुई, MSED से चर्चा हुई और जो मीटर जो नीचे है वो ऊपर लेने का प्रयास चालू है और इनका विनामूल्य रुग्णा सेविका वो 10 साल से चालू है, सीनियर सिटीजन कार्ड दे रहे हैं, उनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रास्ता दे रहे हैं शमशान को, बहुत अच्छा काम चालू है। मैं जनता से यही विनती करूंगा कि डॉक्टर विजय समेल इनकी निशानी है, ट्रैक्टर चलाने वाला किसान उनको बहुमत वोट से विजयी करे। अब 21 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर विजय समेल के समाज सेवा का समाज क्या फल देता है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।